हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं आज के हमारे शो में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला। दरअसल आज मैं आपको इस एक ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान भी 4 एनडीआईटी किए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सुभाष चंद्रा की। सुभाष चंद्रा एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। पहले सिर्फ LIC करते थे, लेकिन पिछले 4 साल से उन्होंने सभी प्रोडक्ट में डील करना शुरू कर दिया। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन सुभाष जी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज सुभाष जी खुद बताएंगे कि कैसे उन्होंने क्रॉस सेलिंग करके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मार्केटिंग करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। तो आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कैसे कि लॉकडाउन में 4 MDRT और कमाए 35 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्रा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, अपनी इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मल्टी प्रोडक्ट एंड क्रॉस सेलिंग के बारे में। सबसे पहले मैं अमित पालीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। 2015 में उन्हीं की एडवाइस पर मैंने मल्टी प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया था। दोस्तों, 2015 से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी करता था, लेकिन 2015 के बाद लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी के बजाय मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी को अपनाया और अब मैं लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, LIC, क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, NPS अकाउंट खोलते हैं हम, डीमेट अकाउंट NJ के साथ ओपन करते हैं, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट में हम डील करते हैं, जिससे मेरा बिजनेस अब बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों से अमित पालीवाल जी की ट्रेनिंग में रेगुलर कर रहा हूं। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और क्रॉस सेलिंग खासकर वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में मुझे वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करना सिखाया। क्रॉस सेलिंग में उन्होंने मुझे होम लोन का टूल दिया और दोनों ही टूल ने इतना धमाल मचा दिया है कि इतना जबरदस्त बिजनेस आ रहा है। ये सब देखने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि हमारे जो एडवाइजर हैं वो अपने विजिटिंग कार्ड पर LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट लिखवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अब हमें सिर्फ एक LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट ना बनकर हमें एक कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला टाइम फाइनेंशियल एडवाइजरी का है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजरी का, क्योंकि ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आप किसी स्टोर पर हाउस होल्डर का सामान लेने जाते हो, तो वहां पर कुछ लिमिटेड सामान होगा उस स्टोर पे जाएंगे, या जिस स्टोर पर पूरा सामान मिलता हो हाउस होल्डर का, आप उस स्टोर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर ऐसे एडवाइजर से जुड़ना पसंद करेगा जो सभी इंस्ट्रूमेंट में डील करता हो, ना कि सिर्फ LIC में या इंश्योरेंस बेचने में। COVID-19 की वजह से सभी लोगों को अपने बिजनेस में मंदी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारा इंश्योरेंस बिजनेस भी उस मंदी से अछूता नहीं है। हम लोगों को अपने बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने लॉकडाउन के दौरान होम लोन कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया है, जिससे कि मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, जैसे ही मैंने होम लोन का बिजनेस शुरू किया, उस होम लोन के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये जाना मैंने कि एक होम लोन का कस्टमर वो ऐसी कौन सी बातों को ध्यान रखे जिससे उसका होम लोन जल्दी से जल्दी उतर सके, या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी के गिरते हुए सिनेरियो में कम हो जाए, या रेपो रेट गिरने का सीधा फायदा मेरे कस्टमर को मिल सके। उन बातों को भी जाना कि एक होम लोन के कस्टमर को ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे उनके लोन का टेन्योर जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और फिर होम लोन के विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया और उसको YouTube पर अपलोड कर दिया कि एक ग्राहक को होम लोन लेते वक्त और होम लोन लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उन सभी बातों को वीडियो के माध्यम से मैंने ग्राहकों तक पहुंचाया, जिसके कारण कम से कम 100 कस्टमर को इसका फायदा हुआ
और 2 करोड़ रुपए से ऊपर मैंने अपने कस्टमर के बचाए। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं YouTube के माध्यम से कैसे डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरे चैनल पर आप विजिट करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी सभी वीडियो को देखकर आप ये जान जाएंगे कि मैं कितनी तेजी से YouTube पर अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ और उसका मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर आप होम लोन की वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि मैंने कितने लोगों की मेहनत का पैसा बचाया है, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और हाँ, मेरा एक टारगेट है जो मैंने 2021 में लिया है, टोटल मैंने लोगों का मेहनत का 1,000 करोड़ रुपए बचाना है। दोस्तों होम लोन की अहम जानकारी जब मैंने अपने क्लाइंट्स को दी तो वो बहुत खुश हुए एंड दे वर सरप्राइज्ड कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने अपने एक क्लाइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करवा के उनका 34 लाख रुपए का फायदा किया, जिसके कारण मुझे उनसे 21 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम मिला और मेरी एक ही दिन में 4th MDRT पूरी हुई और इस साल मेरा TOT का टारगेट है। दोस्तों होम लोन की फील्ड बिल्कुल अनटच्ड है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस फील्ड से हम कैसे अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आज एक जबरदस्त टूल दे रहा हूं, इसका जितना फायदा उठाना है उठा लो। मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि होम लोन पर फोकस करो। ज्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक दिया गया है और होम लोन की वीडियो का लिंक भी दिया गया है, तो आप वहां जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपना चैनल बनाओ, अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करो, और अगर वीडियो नहीं बना सकते तो मेरे वीडियो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करो और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अगर होम लोन के विषय पर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811031180। दोस्तों होम लोन और म्यूचुअल फंड के कस्टमर को क्रॉस सेलिंग करके मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस निकालें और आप MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब मेंबर और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, धन्यवाद। सुभाष जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सुभाष जी मैं अमित पालीवाल YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर की ओर से आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छी अपडेट्स हमारे सामने रखी, आपने अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग हमारे सामने रखी। दोस्तों आप सुभाष जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दी है। एक्चुअल में क्या, इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जो भी ट्रेंडिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसके नाम पे नया कस्टमर एक्वायर किया जा सकता है, सेल्स पिच जो कस्टमर को दी जा सकती है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको सुभाष जी के चैनल पे मिलेंगे। आप वो वीडियो खुद भी देखिए, अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन जिस भी क्लाइंट को वीडियो फॉरवर्ड करें उसके बाद क्लाइंट को फोन जरूर कीजिए। दोस्तों अभी आप अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट समझाते हैं फोन करके, 40-50-60 फोन कॉल आप दिन में कर पाएंगे। टेलीकॉलर बिठा लीजिए, 5 बिठाएंगे पूरे दिन में 250 फोन कॉल हो पाएंगे, लिमिट है ना एक। या पर्सनली जाते हैं तो पूरे दिन में 3 या 4 मीटिंग होती, उसके एक लिमिट है। लेकिन जब आप वीडियो मार्केटिंग करेंगे ना तो कोई लिमिट नहीं रहेगी। सुभाष जी यही करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, उसका लिंक अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालते हैं, दुनिया देखती है। सर आपका एक वीडियो ना आपका एक सिपाही है, आपका एक सेल्स मैनेजर है, जो जाके 100 लोगों को दिखेगा, 1,000 लोगों को दिखेगा, 50,000 लोगों को दिखेगा, 50,000 लोगों को आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन दिखेगी। आप भी चाहे तो वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे, अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, यूट्यूब से LIC कैसे बेचें आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाली है, ऊपर ही आई बटन में आ रहा है, वीडियो देखिए और वीडियो मार्केटिंग कीजिए। हम आपकी मदद करेंगे, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, इसमें कुछ दम है, सुभाष जी ने जो बताया उसमें कुछ वैल्यू है, हम जो बता रहे हैं कुछ वैल्यू है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आज के बाद हम कोई भी वीडियो बनाएंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, तो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों क्रॉस सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जैसा सुभाष जी ने बताया,
वो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं होम लोन से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, क्लाइंट से मिलते हैं, उसके बाद उनको इंश्योरेंस बेचते हैं. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेल. क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग क्या होती है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया, मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स, सेल्स को डबल कैसे करें. नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं. तो दोस्त, अमित पालीवाल और सुभाष चंद्रा दोनों की तरफ से आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच अमित पालीवाल एंड सुभाष चंद्रा जी, आपके दोस्त आपके लिए सदैव तत्पर है. थैंक यू.